तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SND एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप ऑफ बोल्ट एंड नट विथ यूजेस। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, क्योंकि आज हम बोल्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, कितने तरीके के बोल्ट होते हैं, क्या फॉर्म्स होते हैं, साथ ही उसके एप्लीकेशन भी बताऊँगा विथ इमेज। ठीक है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। अब फर्स्ट जो टाइप है, मतलब यहाँ पर बोल्ट कितने तरीके के इनके फॉर्म होते हैं, फर्स्ट हो गया हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट और सिलेंड्रिकल और चीज़ हेडेड बोल्ट एंड कब हेडेड और राउंड हेडेड बोल्ट। साथ ही जो है फिफ्थ पॉइंट होता है टी हेडेड बोल्ट और सिक्स जो है काउंटर संक हेडेड बोल्ट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने नेम ऑफ बोल्ट और नट रखा है, तो मतलब कि फर्स्ट आज हम बोल्ट की बात कर रहे हैं, इमेज ऑफ बोल्ट होगा, ठीक है, और एप्लीकेशंस या फिर उसके यूसेज बताऊंगा। तो फर्स्ट जो है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, इसका हेड जो होता है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बोलते हैं। इसको हम जो है रेसिस बोलते हैं और यहाँ पर थ्रेड कटी रहती है जिस पे नट जो है राउंड करता है। तो इसका एप्लीकेशन फर्स्ट जो है ये एक मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है और सेकेंड जो है ये जनरल फास्टनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लिस्ट जो है मैंने खुद से तैयार की है, आपको ये जो है इसका PDF मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और इसी के साथ में जो सेकंड पॉइंट होता है वो होगा स्क्वायर हेडेड बोल्ट। तो ये देख लीजिए, इनके हेड जो है वो स्क्वायर टाइप के हैं, नीचे रिसेस दे रखा है और यहाँ पर थ्रेड कटी हुई है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होता है प्रिवेंट्स रोटेशन ऑफ द बोल्ट। तो कहने का मतलब जो ये स्क्वायर हेड दे रखे हैं, ये जो है आपके रोटेशन को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। द बोल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन बियरिंग फॉर द शाफ्ट, शाफ्ट के लिए जो बियरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर इस जो है बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा थर्ड जो है आपका सिलेंड्रिकल और चीज़ हेडेड बोल्ट। तो क्वेश्चन बन जाता है जो कि सिलेंड्रिकल हेडेड बोल्ट का और दूसरा नाम क्या है, तो चीज़ होता है। ये वाला नट तो हम कई बार जो है बोल्ट कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, हम डेली रोज़ में देखते भी हैं, कई जगह पर यूज़ होता है। देखिए ऊपर जो है ये एक क्लियरेंस दिया होता है जिससे कि जो है राउंड ना हो, है ना, और साथ ही जो है इसके ऊपर थ्रेड कटी रहती है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका हो जाएगा यूज वेयर प्रोजेक्टिंग कॉर्नर आर अनएक्सेप्टेबल, जहाँ पर कॉर्नर नहीं एक्सेप्टेबल होता है वहाँ पर जो है हम इस तरीके के जो बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट होगा जो है इट्स कॉमनली यूज इन बैक बिग एंड फॉर कनेक्टर्स एंड इसेंट्रिक्स ETC। तो इसका इस्तेमाल जो है बड़े एंड वाले जो कनेक्टर्स होते हैं और इसेंट्रिक्स जो होते हैं तो उनमें यहाँ पर इसका इस वाले बोल्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट होता है हमारा, तो फोर्थ जो पॉइंट होता है वो हो जाएगा कैप हेडेड और राउंड हेडेड बोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको ये पोर्शन दे रखा है ये आपका कैप टाइप का लग रहा है, इसके नीचे जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये नट टाइप का लगा रहता है जिससे कि हम जो है कस सकते हैं, क्योंकि इसका हेड जो है हम कसने के लिए जो है राउंड करने से रोकता है, मतलब राउंड होता रहेगा। तो इसी के साथ में जो है इसके नीचे जो है ये रेसेस दे दिया और यहाँ पे थ्रेड कटी रहती है, तो इसे हम कैप हेडेड बोल्ट कहते हैं। दिस बोल्ट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक एंड सर्टेन पार्ट ऑफ लोकोमोटिव मोटिव। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक बनाने में और साथ ही जो है कुछ लोकोमोटिव पार्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में हमारा फिफ्थ पॉइंट है टी हेडेड बोल्ट। तो टी हेडेड में आप देख सकते हैं ये कुछ टी शेप में बना होता है, इसलिए इसे हम टी हेडेड बोलते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर इस टाइप के बोल्ट का इस्तेमाल जो करते हैं वो सिक्योरिंग क्लैंप्स वाइस एंड अदर एसेसरीज जो कि टू द टेबल ऑफ मशीन टूल्स। तो टेबल मशीन टूल्स जो होते हैं तो उसमें जो है क्लैंप करने के लिए जो है और वाइस के लिए और साथ ही जो है अदर एसेसरीज के लिए काम में लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा वीडियो हो गया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सिक्स पॉइंट है काउंटर संक हेडेड बोल्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक ये स्लॉट कटा रहता है, तो जहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यूज्ड वेयर द हेड ऑफ द बोल्ट मस्ट नॉट टू प्रोजेक्ट अबोव द सरफेस ऑफ द कनेक्शन पीस। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन पीस के जहाँ पर सरफेस के ऊपर जो है हमें हेड नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम इस तरीके के नट का इस्तेमाल बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देखिए ये आपको एक स्लॉट कटा रहता है, इसको हम एलन की के माध्यम से जो है कस सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं
काउंटरसंक हेडेड बोल्ट, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है वो कुछ काउंटरसंक जैसा है, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमारे स्पेशल पर्पस बोल्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्टो बोल्ट, तो आप देख सकते हैं। तो ये बताता है कि जहाँ पर नो ग्रेट इम्पोर्टेंस, मतलब जहाँ पे प्रिसिशन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, वहाँ पर हम जो है स्टो बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव द हेड ऑफ द बोल्ट फ्लश द सरफेस ऑफ द वर्क। तो आप कह सकते हैं कि एक बार सरफेस जो है, मतलब जो है इसके एक होल से होके इसको गुजार के जो है नट से कस सकते हैं, तो इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो होता है हमारा कैरेज बोल्ट, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका हेड कुछ इस तरीके का है, नीचे कुछ नट टाइप का रहता है, तो वहाँ से हम जो है इसको कस सकते हैं। और नीचे जो आप देख सकते हैं पूरे का पूरा जो लेंथ है इसका वो पूरा थ्रेड से कटा रहता है, तो आप जो है जितना भी चाहे उतना आप जो है नट कस सकते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर फास्टनिंग वुडन पार्ट्स, तो ये जो है वुडन पार्ट्स को टुगेदर, मतलब एक साथ जो है कसने के लिए, साथ ही जो है इसका इस्तेमाल मेटल पार्ट्स टू वुड, मतलब मेटल और वुड दोनों को कसने के लिए एक साथ में काम में लिया जाता है, तो इसे कहते हैं कैरिज बोल्ट, ठीक है। और इसी के साथ में थर्ड पॉइंट है हमारा हुक बोल्ट। तो देखिए हुक बोल्ट क्या होता है, जहाँ पर ऊपर जो है हमें पकड़ने की ज़रूरत होती है, तो ये जो है एक सेमी परमानेंट फास्टनिंग होता है जो कि कंक्रीट में काम में लिया जाता है। साथ ही जो है दिस बोल्ट इन दिस इज आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ वेयर द नो रूम फॉर ए बोल्ट होल, तो जहाँ पर कि मतलब कि होल नहीं है तो वहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो थ्रो वन ऑफ द पीस, तो मतलब एक तरफ से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो आप यहाँ पर मैंने दिखाया है थर्ड पॉइंट वो हो गया हुक बोल्ट इज़ यूज फॉर अटैचिंग शाफ्ट हैंगर टू द फ्लेंज ऑफ जॉइंट्स एंड गीडर्स। तो कहने का मतलब ये है जो आपके शाफ्ट हैंगर्स जो होते हैं टू द किससे, फ्लेंज से, तो ये जो है इन दोनों को अटैच करने के लिए आप जो है हुक बोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है। और फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंशन बोल्ट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ऊपर से यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि दिस टाइप ऑफ बोल्ट इज़ यूज्ड इन अटैचिंग पार्ट्स टू ब्रिक्स स्टोन्स और कंक्रीट वॉल एंड फ्लोर ही। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी फाउंडेशन बनाना होता है, ठीक है, वहाँ पर हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर कि कंक्रीट वॉल फ्लोर्स इस तरीके का, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम एक्सपेंशन बोल्ट कह सकते हैं। ये जो है एक्सपेंशन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है अंदर बाहर कर सकते हैं, मतलब ठीक है, तो इस तरीके का बोल्ट ये इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जो फिफ्थ पॉइंट है फाउंडेशन और रैक बोल्ट। तो देखिए फाउंडेशन जहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ मैं बताना चाहूँगा, रैक बोल्ट इज़ यूज फॉर द फिक्सिंग इनटू द स्टोन कंक्रीट फाउंडेशन, तो जहाँ पर भी इन स्टोन का, पत्थर का या फिर कंक्रीट के जो फाउंडेशन बनाए जाते हैं वहाँ पर हम फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है फिक्स कर दिया जाता है अंदर की तरफ, ऊपर जो है कस दिया जाता है, मतलब ऊपर से आप जो है नट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो यूज़ होता है वो फाउंडेशन में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जो है फाउंडेशन बोल्ट भी कहते हैं या फिर रैक बोल्ट भी बोलते हैं। The head is wider at the bottom than at the top and is laid into the taper hole. ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि head जो है वो wider at the bottom होता है, अंदर से wide होता है नीचे से, और ऊपर की तरफ top जो होता है laid into taper hole, तो taper hole के लिए जो है laid होता है। और साथ ही जो है यहाँ पर आपका जो वेयर ग्रेट स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, वहाँ पर हम जो है फोर पैरेलल बार और की आर यूज्ड इन द एडिशनल, वहाँ पर हम जो है चार पैरेलल बार और साथ ही जो है की का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाता है आपके लिए। इसी के साथ में जो सिक्स पॉइंट है वो है आई बोल्ट। तो आई बोल्ट आप देख सकते हैं ये इस तरीके से रहता है, आगे जो है आपको थ्रेड कटा रहेगा। तो आई बोल्ट का इस्तेमाल कहाँ करते, कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग पर्पस, जहाँ पर किसी चीज़ को उठाना होता है वहाँ पर हम आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ स्क्रूड और टर्न्ड इनसाइड एट थ्रेडेड होल,
जो है ये थ्रेडेड होल के अंदर जो है स्क्रू या फिर टर्न इनसाइड कर सकते हैं और ऑन द टॉप ऑफ द मशीन, तो मशीन के ऊपर, ठीक है। और साथ ही जो है इलेक्ट्रिक मोटर और जो है आपका मीडियम एंड लाइट वेट मशीनरीज के लिए जो है आर इक्विप्ड विथ वन और मोर आई बोल्ट, वहाँ पर जो है हम एक से ज़्यादा जो है आई बोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है आपका रेडियली लिफ्टेड और मूव्ड बाय एन ओवरहेड क्रेन, तो इसका इस्तेमाल जो है हम ओवरहेड क्रेन में भी कर सकते हैं लिफ्टिंग कराने के लिए। लास्ट जो पॉइंट है वो होता है स्टड। तो स्टड में क्या रहता है, आपका बीच का पोर्शन जो है वो तो रेसेस रहता है और दोनों साइड जो है थ्रेड कटी रहती है, और इसका इस्तेमाल जो है मैं बताना चाहूँगा टर्बाइन की जो एक पूरा ऊपर का जो केस होता है जिससे पैक्ड होता है, तो वो जो जहाँ पर फाउंडेशन पे नीचे फिक्स बिठाया जाता है तो वहाँ पर जो है स्टड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे जो है कस दिया जाता है। द स्टड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए बोल्ट वेयर ए बोल्ट, तो कहने का मतलब ये हो गया कि भी स्टड इज यूज एज द प्लेस ऑफ ए बोल्ट व्हेन ए बोल्ट स्टड इज कॉमनली यूज टू सिलेंड्रिकल सिलेंडर कवर इंजन सिलेंडर, तो ये कॉमनली यूज़ किया जाता है सिलेंडर कवर इंजन सिलेंडर्स के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही डायरेक्टली मोटिवेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए वो आपको सबसे पहले हिट करने में आसानी रहे। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।